الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام بزرگوں اور بھائیوں مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے میرے بھائیوں نوجوان عزیزوں اور دوستوں اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور بڑا احسان ہے کہ ہم جمعۃ المبارک کی نماز ادا کرنے کے لیے آل حق کے عظیم مرکز صحابہ کرام کی پڑوس جامعہ عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ میں اکٹھے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا اور جمعۃ المبارک کی نماز کا ادا کرنا قبول فرمائے. آج 1443 ہجری 22 جماعت الثانی ہے اور یہ وہ دن ہے کہ صحابہ کرام کے سرخیل خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام میں شریعت میں جو مقام عطا فرمایا پوری امت مسلمہ اس کی گواہ نظر آتی ہے. جمعۃ المبارک کے اس موقع پر صحابہ کرام کے قبور کے پڑوس پر آج آپ حضرات کی خدمت میں ایک خاص عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اسلام میں صحابہ کرام کا مقام کیا ہے. اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو کیا مقام عطا کیا ہے. آج جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس معاشرے میں بہت سے ایسے حضرات موجود ہیں جو صحابہ کرام کو نہ صرف یہ کہ عقیدت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے بلکہ صحابہ کرام پر
नाउज़ बिल्ला मुनाफ़िक़ का इल्ज़ाम भी लगाते हैं अपने इस खास उनवान को। मैं एक खास पैराए में बयान करूंगा, बयान के अंदर चंद चीज़ें बेतरतीब जिक्र की जाएंगी ताकि सहाबाए किराम का मकाम हमारे सामने आ सके। नंबर एक, सहाबी किसे कहते हैं, मुनाफिक किसे कहते हैं। नंबर दो, सहाबाए किराम का शरीयत इस्लाम में और इस्लाम की तारीख में मकाम क्या है। इस्लाम की तारीख में मुनाफिकीन का किरदार क्या है। नंबर तीन, मुनाफिकीन ये कब से शुरू हुए, इनकी तारीख क्या है। सहाबियत सहाबा किराम कब से शुरू हुए, इनकी तारीख क्या है। और शरीयत इस्लाम में सहाबा किराम का मकाम और मर्तबा क्या है। और आखिर में ये बात अर्ज करूंगा कि सहाबा किराम का अंजाम क्या है। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मुनाफिकीन का अंजाम क्या है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सहाबा किराम को पूरी तारीख में तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम में जितने भी मानने वाले मौजूद थे, तमाम मानने वालों में सहाबा किराम का इंतखाब किया है। सहाबी किसे कहते हैं, सहाबी उस शख्सियत को कहते हैं जिसने हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखा है, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत उठाई है, अपनी वफात तक हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफादारी की है। सहाबी उसे कहते हैं जिसने अपनी पूरी जिंदगी हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं पर कुर्बान की है। सहाबी उसे कहते हैं जिसके अंदर ईमान कूट कूट के भरा है। सहाबी उसे कहते हैं जिसने हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सारी जिंदगी वफाए ही वफाए की हैं। मुनाफिक उस शख्स को कहते हैं कि जिसके दिल के अंदर कुफर कूट कर भरा है, इस्लाम की नफरत भरी है, हुजूर की नफरत भरी है, जिसके जी में कुरान की नफरत भरी है, मुसलमानों की नफरत भरी है, तो एक सहाबी है और दूसरी तरफ मुनाफिक है। सहाबी वो शख्सियत है जिसके दिल में ईमान कूट कूट के भरा हो, मुनाफिक वो शख्स है जिसके जी में इस्लाम और हुजूर और कुरान मुसलमानों की नफरत कूट कूट के भरी हो। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, सहाबियत और मुनाफिकत कभी जमा नहीं हो सकती। जो सहाबी है वो मुनाफिक नहीं हो सकता, जो मुनाफिक है वो सहाबी नहीं हो सकता। इसलिए कि सहाबी ये आला दर्जे के ईमान की अलामत है, मुनाफिक ये आला दर्जे के हुजूर से बुग़्ज़ की अलामत है। सहाबियत और मुनाफिकत कभी जमा हो नहीं सकती। इसलिए सहाबी
हुजूर के वफादार शख्सियत का नाम और लकब है, जबकि मुनाफिक हुजूर के दुश्मनों का लकब है। मुनाफिक आदमी जुबान से कलमा पढ़ता नजर आता है, लेकिन उसके जी के अंदर कुफर, हुजूर की नफरत, इस्लाम की नफरत पाई जाती है। इसलिए सहाबा इकराम को मुनाफिकों की लिस्ट में लाना ये खुद मुनाफिकत है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर सहाबा इकराम के मुतल्लिक फरमाया है कि सहाबा इकराम उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का, ये वो लोग हैं जो पक्के मोमन हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा इकराम का शरीयत इस्लाम में जो मकाम रखा है, कुरान करीम में उसको जिक्र फरमाया है। अल्लाह पाक सहाबा इकराम के ईमान को दूसरे काफरों के लिए मेयार और कसवटी बताते नजर आते हैं। अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाते हैं, मुनाफिकीन का तस्करा फरमाते हुए, वइज़ा क़ील लहुम आमनु कमा आमनन नास, जब इनको कहा जाए कि भाई तुम भी ईमान लाओ जैसा कि ईमान लाए ये सहाबा इकराम, कालू मुनाफिक कहते हैं, अनुमिनु कमा आमन सुफहा, क्या हम इस तरह ईमान लाए जैसा ईमान ये लोग बेवकूफ लाए हैं। नऊज़ु बिल्लाह, मुनाफिक सहाबा किराम को न सिर्फ बेवकूफ कहते थे बल्कि उन पर तनकीद करना उनका 24 घंटे का मशगला था। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर सहाबा किराम के ईमान को कुफार के लिए, अगर वो इस्लाम में आना चाहते हैं, मेयार और कसवटी करार दिया है। इसलिए फरमाया वइज़ा क़ील लहुम आमिनु कमा आमनन नास, अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा इकराम के ईमान को दूसरों के लिए कसवटी बनाया, तराजू बनाया, मेयार बनाया। अगर सहाबा इकराम मोमन नहीं थे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ईमान को दूसरों के लिए कसवटी क्यों बनाया, उसके लिए मेयार क्यों बनाया, लोगों के लिए तराजू क्यों बनाया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में दूसरी जगह खुद सहाबा इकराम को मुखातब करते हुए इरशाद फरमाया, फइन आमनु बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फकदी तदौ, अगर ये काफर लोग उस तरह का ईमान लाए ऐ सहाबा जैसा तुम लाए हो, फकदी तदौ, तो फिर हिदायत पे आएंगे। मालूम हुआ सहाबा इकराम हिदायत के आला मैयार पर हैं, सहाबा इकराम ईमान के आला मैयार पर हैं। अगर सहाबा मुनाफिक होते अल्लाह तबारक व तआला कभी भी कुफार के लिए, मुनाफिकीन के लिए सहाबा इकराम के ईमान को मैयार और कसवटी करार न देता। तो एक तरफ सहाबियत है, दूसरी तरफ निफाक है। सहाबियत और निफाक में, सहाबी और मुनाफिक में आग और पानी का ताल्लुक है। जो कहते हैं आग और पानी जमा नहीं हो सकते, सहाबियत और मुनाफिक जमा नहीं हो सकते। बिल्कुल से बाहर अगर तो बंदा ये समझे किसी दौर में किसी वक्त में आग और पानी जमा हो सकते हैं, ये तो शायद हो सकता हो, लेकिन सहाबियत और मुनाफिकत कभी जमा नहीं हो सकते। जो सहाबी है वो मुनाफिक नहीं है, जो मुनाफिक है वो सहाबी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा किराम की दो बड़ी जमातें बनाई हैं, एक
का नाम मुहाजरीन है, दूसरी का नाम अंसार है। जो सहाबा किराम पर तनकीद करते हैं वो मुहाजरीन को भी नऊज़ बिल्ला मुनाफिक समझते हैं, अंसार को भी मुनाफिक समझते हैं। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर सहाबा किराम को ईमान की कसवटी करार दिया, बल्कि वो लोग जो सहाबा किराम मुहाजरीन हो या अंसार हो, उनकी पैरवी में ईमान कबूल करने वाले हैं, उनसे अपनी रजा का ऐलान किया। अल्लाह पाक फरमाते हैं, والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه। अल्लाह पाक फरमाते हैं, जिन लोगों ने ईमान लाने में पहल की है, खा वो मुहाजर हैं या वो अंसार है, और वो लोग जो इनकी इत्तबा और पैरवी में ईमान कबूल करते हैं, नेकी के कामों में इनकी पैरवी करते हैं, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह तबारक व तआला इनसे राजी है और ये अल्लाह तबारक व तआला से राजी हैं। मालूम हुआ महाजरीन भी ये भी जन्नती हैं, अल्लाह इनसे राजी है, वह अंसार भी जन्नती हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनसे राजी है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, सहाबाए किराम भी जन्नती, अल्लाह पाक इनसे राजी। अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबाए किराम की पैरवी करने वालों के मुतल्लिक भी फरमा दिया, वल्लज़ीन तबअहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, जिन लोगों ने सहाबाए किराम की पैरवी की है, अल्लाह पाक फरमाते हैं, अल्लाह पाक उनसे भी राजी है। साबित हो ये बात, सहाबाए किराम भी अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा लोग हैं, उनकी पैरवी करने वाले, उनके मिशन पर चलने वाले। सहाबियत की तारीख क्या है, निफाक की तारीख क्या है? सहाबियत की तारीख वो है जो इस्लाम की तारीख है, सहाबियत की तारीख वो है जो इस्लाम की तारीख है। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ऐलान नबुव्वत फरमाते हैं, सबसे पहले सहाबा इकराम में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान कबूल करते हैं, तो ये इस्लाम में सहाबियत की तारीख है। जब से हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया, सहाबियत की इब्तिदा हो गई। इस्लाम की इब्तिदा सहाबियत की इब्तिदा है, सहाबियत की इब्तिदा इस्लाम की इब्तिदा है, ये सहाबियत की तारीख है। जंग निफाक की तारीख ये है कि निफाक उस दौर का फितना है जिस दौर में अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकरमा छोड़ने के बाद मदीना तैयबा में जाने का हुक्म दिया। जब आप मदीना में तशरीफ ले गए, मुसलमानों की तादाद बढ़ने लगी, अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को तैयबियां अता फरमा दी। सहाबाए किराम की तादाद को बढ़ता हुआ देखकर, उनकी कुव्वत को बढ़ता हुआ देखकर, कुफार की एक जमात ने इस्लाम का लुबादा ओढ़ा। ये वो दौर है जिस दौर के अंदर निफाक शुरू हुआ है, मुनाफ़िकत शुरू हुई है, यानी मदीना तैयबा का वो दौर जिस दौर में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को तरक्कियां अता फरमाई, इस्लाम को तरक्कियां अता फरमाई। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पूरी दुनिया में फैलने लगी, इसके असरात दुनिया में जाहिर होने लगे। कुछ लोगों ने कलमा पढ़कर जुबान से इस्लाम का इजहार शुरू कर दिया, अपने आप को मुसलमान कहना शुरू कर दिया। ये निफाक की तारीख है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। सहाबियत की तारीख वो है जो इस्लाम की तारीख है। सहाबियत उस वक्त से शुरू हुई जिस वक्त से इस्लाम शुरू हुआ, लेकिन निफाक ये मदीना तैयबा के तरक्की के दौर
मौत की पैदावार है, कुछ को पाप ने इस्लाम का लिबादा ओढ़ कर, निफाक का लिबादा ओढ़ा, इस्लाम का लिबादा ओढ़ कर दिल के अंदर बुगज रख के इस्लाम का, दिल के अंदर बुगज रख के कुरान का, दिल के अंदर बुगज रख के हुजूर का, दिल के अंदर बुगज रख के मुसलमानों का, इस्लाम का लिबादा ओढ़ा। और मकसद ये था, हम अलिल ऐलान मुसलमानों की मुखातबत नहीं कर सकते, लेकिन किस तरह कलमा पढ़कर इनकी सफों में घुसकर मुसलमानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इस्लाम को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हुजूर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये मुनाफ़िकत की तारीख है, ये मुनाफ़िकत बाद की पैदावार है। सहाबियत ये इस्लाम की इब्तिदा का एक कारनामा है। सहाबियत उस वक्त से चली जिस वक्त से इस्लाम चला है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफिकीन का तस्करा फरमाया है। आज सहाबा इकराम पर तंकीद करने वाले लोग कहते हैं ये सारे के सारे मुनाफिक थे, नऊज बिल्लाह के मिजाज़। हालांकि कुरान कहता है मुनाफिकीन ये शर पसंद लोगों की एक छोटी सी जमात है, और है भी मदीना के इर्द गिर्द, और इनका वजूद नहीं है। अल्लाह पाक फरमाते हैं के वमिन अहलिल मदीनती मरदु अलन निफाक, मदीना वालों में मिन तबईजिया है। अरबी जानने वाले जानते हैं यहाँ लफ्ज मिन इस्तेमाल हुआ और लफ्ज मिन तबईज के लिए आता है, और ये बताता है कि कुछ लोगों के लिए ये हुक्म है, कुछ लोगों के लिए ये फैसला है। वमिन अहलिल मदीनती मरदु अलन निफाक, कुरान ने बता दिया मदीना वाले सारे मुनाफिक नहीं है, अनसार मुनाफिक नहीं है, महाजरीन मुनाफिक नहीं है, मदीना के कुछ लोग हैं, वो भी इर्द गिर्द के लोग, जो एक छोटी सी जमात है। फरमाया ये लोग मुनाफिकत पर अड़े हुए हैं। सहाबा किराम में तमाम महाजरीन को, सहाबा किराम में तमाम अनसार को मुनाफिकों की लिस्ट में लाना ये खुद मुनाफिकत है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अब समझे सहाबियत का किरदार क्या है और मुनाफिकीन का किरदार क्या है। इस्लाम में अगर हम तारीख पढ़ते हैं, सहाबियत का किरदार लिखत के सामने आ जाता है, और उनकी इज्जत हमारे दिलों में दुबाला हो जाती है। मुनाफिकीन के किरदार को पढ़ते हैं तो नफरत में इजाफा हो जाता है। आप देखें सहाबियत का किरदार क्या है। सहाबियत मैंने अर्ज किया इस्लाम की तारीख है, जब से इस्लाम शुरू हुआ सहाबियत शुरू हुई। सबसे पहले सहाबी सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। अब आप देखें सहाबियत हज़रत अबू बकर सिद्दीक से शुरू हुई है। ये ऐसा सहाबी है जो हुज़ूर की सोबत न जिंदगी में छोड़ता है, न फौत होने के बाद छोड़ता है। ये साथ हुज़ूर का नहीं छोड़ता, ये हुज़ूर की जिंदगी में हुज़ूर के साथ साथ नजर आता है। जब फौत हो गया अब भी हुज़ूर के साथ पहले दार के तौर पर मौजूद है। ये सहाबी है, ये सोहबत से है, ऐसी सोहबत कि जैसी सोहबत किसी ने आज तक उठाई नहीं है। किसी जना अबू बकर सिद्दीक है। मुनाफिक वो है जो हुजूर की सोहबत से डरते थे, आते थे तो फाहिशे करने के लिए आते थे, निकलते थे तो फाहिशे करते हुए निकलते थे। आते आपकी मजलिस में वफादार के लिए थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ये पहले सहाबी है, लेकिन आपने सोहबत इख्तियार की है अपने अगराज के लिए नहीं, बल्कि अपना तन मन धन अपनी हर चीज हुजूर पे कुर्बान करने की। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अब आप देखें सहाबियत का किरदार क्या है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से सहाबियत शुरू हुई है। मुश्किल से मुश्किल तरीन घड़ियों में खरे और खोटे की पहचान होती है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबाए किराम के सरताज, सहाबाए किराम के सरदार, सहाबाए किराम में सबसे आला नजर आते हैं। अब आप देखें मुश्किल घड़ी में दोस्त और दुश्मन की पहचान होती है। सहाबियत का किरदार क्या है। ये वो वक्त है जब मक्का वालों ने हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने का इरादा कर लिया है।
मक्का के मुख्तलिफ कबाइल ने हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का घेराव कर लिया है। अबू बकर सिद्दीक हैं जो अपनी जान पर खेल कर हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस का दिफा करते हुए आपकी ज़ात को महफूज तरीन मकाम पर पहुंचाते नजर आते हैं। अगर अबू बकर सिद्दीक मुनाफिक होते इससे बढ़कर हुजूर की जात को इस्लाम को नुकसान पहुंचाने का मौका नहीं था कि आप अकेले हैं सफर में, अबू बकर सिद्दीक साथ हैं। लेकिन आप देख लें अबू बकर सिद्दीक को अपनी जान की परवाह नहीं है बल्कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस का ख्याल है। कारे सौर पर चढ़ रहे हैं, जब कांटों की कसरत हो गई सफर मुशक्कत वाला था, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु अपने कंधे पर हुजूर को सवार करके कारे सौर तक लेके जा रहे हैं, दुश्मनों से बचा रहे हैं। अगर आप मुनाफिक होते आपका इस्लाम से ताल्लुक न होता, आप इस्लाम और हुजूर के दुश्मन होते। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, आज तो पकड़वाने का मुखबरी करने का एक बेहतरीन मौका था। दोस्त और दुश्मन की पहचान मुश्किल वक्त में होती है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु तो वो है जब कुफार टो लगाते हुए इधर उधर से हालात की खबर लेते हुए घारे सौर पर चढ़ आए हैं। अबू बकर सिद्दीक ने कुफार की आवाजों को सुना, अपनी जान की फिक्र नहीं है, हुजूर की जात के मुतल्लिक गमज़दा है। कुफार आगे आवाजें आ रही हैं, कहीं मेरे हुजूर को तकलीफ न पहुंचे। हुजूर के सामने तस्करा किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुफार आगे परेशानी है, आपको नुकसान न पहुंचाए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इन अदाओं का जिक्र किया। हुजूर ने जवाब दिया, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, परेशान न हो, वो अल्लाह तबारक व तआला की जात हमारे साथ है। ये वो दिलासा था जो हुजूर ने अबू बकर को दिया रज़ियल्लाहु अन्हु। अल्लाह पाक को अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की अदा ऐसी पसंद आई कि उसको कुरान बना के नाज़िल कर दिया। मेरे भाइयों, ये मुश्किल घड़ी है, मुश्किल घड़ी में खरे और खोटे की पहचान होती है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु मुश्किल घड़ी में साथ है, अपनी जान की बजाय सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की फिक्र है। और हुज़ूर ने जो आपको दिलासा दिया था उसके अल्फाज को अल्लाह पाक ने कुरान करीम में फरमा दिया, इस हुमा फिल गार दोनों बार में इस यकूल लिसा ही भी हुज़ूर अपने साथी को फरमा रहे थे, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, अल्लाह पाक की जात हमारे साथ है। हुज़ूर ने यह भी फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह मअई, कि अल्लाह पाक की जात मेरे साथ है, मदद मेरे साथ है। फरमाया इन्नल्लाह मअना जमा का लफ्ज़ इरशाद फरमाया, ज़मीर जमा की है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को बताया अल्लाह पाक की नसरत, अल्लाह पाक की मदद, अल्लाह पाक की जात सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि तेरे भी साथ है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सहाबी होना भी कुरान करीम में वाज़ेह कर दिया। अब आप देखें 1,24,000 के करीब सहाबा किराम की जमात हुई है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की यह खसूसियत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में आपकी सहाबियत का तज़किरा किया है। अब कोई बंदा हज़रत अबू बकर सिद्दीक को सहाबी नहीं मानता। मेरे भाई ने कुरान करीम की इस आयत का इनकार करता नजर आता है। कुरान करीम की एक आयत का इनकार भी बंदे को कहां तक ले जाता है, ये सारे मुसलमान जानते हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की सहाबियत मुफस्सरीन ने लिखा है, कुरान करीम की इस बात नस से साबित है
अबूबकर सिद्दीक अल्लाह का सहाबी होना साबित हो गया, सहाबियत और मुनाफ़िकत कभी क्षमा ही नहीं हो सकती। तो सहाबी वो जो मुश्किल से मुश्किल घड़ी हुजूर की जात का दिफा करता नजर आता है, अपनी जान से ज्यादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान की फिक्र है ये सहाबी है। गारे सौर में दाखिल होते हैं तो खार को साफ करते हैं और सुराखों को अपने कपड़े से फाड़ कर बंद करते हैं, जहां सुराख रह गए हैं वहां पर अपनी एड़ियों को रख लेते हैं। कोई मोजी चीज आए तो हुजूर को नुकसान न पहुंचाए, मुझे चाहे नुकसान पहुंचाए, ये सहाबियत है। सांप आता है, नाग आता है, काला नाग आता है, डंग मारना चाहता है, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु डंग खाते नजर आ रहे हैं, ये सहाबियत है। दूसरी तरफ देखिए मुनाफ़िकत क्या है, मुनाफ़िकत क्या है, ये तारीख के साथ जुल्म है कि सहाबाए किराम की ज़ात ने दस को मुनाफ़िकीन की लिस्ट में लाया जाए, ये कुरान ने बता दिया। सहाबियत क्या है, मुनाफ़िकत क्या है, दोनों का किरदार क्या है, ग़ज़वा अहज़ाब की बात है, कुरान करीम में सूरह अहज़ाब गवाह है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अहज़ाब के अंदर नक्शा खींचा, अरब कबाइल इकट्ठे होकर मुसलमानों को खत्म करने के लिए मदीना के एक तजर्द आ बैठे। सहाबाए किराम इस वक्त शदीद परेशानी की हालत में थे, लेकिन इस परेशानी की हालत में हुजूर का साथ नहीं छोड़ा, पेट पर पत्थर बांध कर हुजूर का दिफा किया, इस्लाम का दिफा किया, मुसलमानों का दिफा किया। मुनाफिकीन का किरदार देखे कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, हाँ जी, बलगतिल कुलूबुल हनाजिरा, मुश्किल हालात के कलेजे मुंह को आ गए, जुलजुलो जिलजाल शदीदा, सख्त जब झोड़ दिए गए, जिसे कहा जाता है ना पैरों से जमीन निकल गई, ये वो सूरत हाल है, जुलजुलो जिलजाल शदीदा। लेकिन मुनाफिकीन की हालत देखिए आप, मुनाफिकीन क्या करते रहते, इन्ना बियूतना औरा, हुजूर को आकर बहाने बना रहे थे, आप हमें घर जाने की इजाजत देते, हमारे घर खाली हैं, हमारे घरों में कोई नहीं, हमें घर जाने की इजाजत दीजिए। अल्लाह पाक फरमाते हैं हमारिया भी औरा, घर खाली नहीं थे, इन्यरीदूना इल्ला फिरारा, ये लोग भागना चाहते थे मैदान जंग से, ये मुनाफ़िकत है। सहाबाए किराम हुज़ूर के साथ ग़ज़वा अहज़ाब में पेट पर पत्थर बांधकर डटे रहते हैं, जबकि मुनाफ़िकीन की सूरत हाल है कि वो मैदान जंग से भागते नजर आते हैं। ये सहाबियत का किरदार है और ये मुनाफ़िकत का किरदार है। कैसे सहाबाए किराम को मुनाफ़िकीन की लिस्ट में लाते हो? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु पहले सहाबी है, सहाबियत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु से शुरू हुई है। आप किरदार देखे, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह सहाबी रसूल हैं, अपना सारे का सारा माल हुजूर की ज़ात पे कुर्बान करते नजर आते हैं। ग़ज़वा तबूक की बात है, हुज़ूर ने चलने का मुतालबा किया, भाई कौन है जो इस मुश्किल घड़ी में अपना माल इस्लाम के दिफा के लिए पेश करेगा? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु भी लाए, दीगर सहाबा भी लाए, दीगर सहाबा वो माल लाए जो उनकी शयान शान था, अबू बकर सिद्दीक उतना माल लाए जो उनकी शयान शान था। चूंकि सहाबी आजम है, सिद्दीक के अकबर है, घर के अंदर सुई तक नहीं छोड़ी। रिवायात में आता है घर की दीवारों में हाथ फेंकते नजर आते हैं, जिस तरह के हमारे यहाँ अमूमन रिवाज है कि
दीवारों के अंदर सुराख होते हैं, सुराखों के अंदर हमारी माएं और बहनें सुई वगैरह रख देती हैं कि मौका पर कपड़े वगैरह सीने पड़े तो निकाल कर सी ले, टांगा लगाना पड़े तो निकाल के लगा ले। अबू बकर सिद्दीक वो है जो के सुई तक भी कटोरते नजर आते हैं और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त कुर्बान कर देती है। साहबियत है, मुनाफ़त क्या है? तब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने अपना सारा माल हुजूर की खिदमत में पेश कर दिया। मुनाफिकीन का किरदार सामने आ गया। मुनाफिकीन ने अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को रियाकार होने का ताना दिया। कहे को रियाकारी करते हैं, माल लाकर हुजूर की जौली में डाल दिया, ये रियाकारी है। हालांकि रियाकारी तो तब होती जब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने हुजूर से ये पहले पूछा होता कि आपका मुतालबा अलग ऐलान देने का है या चुपके। हुजूर ने ऐलान ऐलानिया किया था, हुजूर ने चंदा ऐलानिया मांगा था, अबू बकर सिद्दीक ने ऐलानिया दिया और पूछा अबू बकर कितना लाए हो? ऐलानिया लेना चाहते थे इसलिए ऐलान किया। और जब लाए तो पूछा कितना लाए हो? अबू बकर सिद्दीक ने बता दिया सारा लाया हो। ये तो हुजूर की ख्वाहिश की तकमील है। मुनाफिकीन उन्होंने एक तो उस वक्त माल नहीं दिया, हुजूर ने मुतालबा किया माल लाओ, दिया ही नहीं, ये मुनाफिकत है। एक तो दिया कुछ नहीं, उधर सुई तक नहीं जोड़ी, इधर सुई तक नहीं दी। उधर अबू बकर सिद्दीक ने घर में सुई तक नहीं जोड़ी, सब ले आए, मुनाफिकत क्या है? सुई तक नहीं दी, ये मुनाफिकत है। उल्टा रियाकार होने के तने दिए मुसलमानों को जिन्होंने ज्यादा माल दिया था, ये मुनाफिकत। तो सहाबियत का किरदार, मुनाफिकत का किरदार चढ़ते सूरज की तरह वाज़े है। कोई बंदा इस्लाम की तारीख को चुटका कर बंद कमरे में बैठ कर इस्लाम की तारीख को बदल नहीं सकता। आज लोग बंद कमरों में बैठकर सहाबाए किराम के खिलाफ किताबें लिखते नजर आते हैं और सहाबाए किराम के किरदार को लोग के सामने मसक करके पेश करते हैं। ऐसी तारीख की, ऐसे कलम की कोई हैसियत नहीं। अबू बकर सिद्दीक वो है, सहाबी वो है। सहाबियत किरदार क्या है? सहाबियत ये है खुद भी जिहाद को जाते नजर आते हैं, अपनी आप को भी जहाद में ले जाते नजर आते हैं। ये सहाबियत है, खुद भी जा रहे हैं। उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनको भी हुजूर की खिदमत के लिए इस जंग में साथ देके जा रहे हैं। खुद भी गए, बेटी को भी ले गए। ये सहाबियत है। मुनाफ़त क्या है? मुनाफ़त क्या है? मुनाफ़त यह है कि जंग के मौका पर, जंग के मौका पर राहे फरार इख्तियार करना। आप देख लें जितनी भी जंगे हुई हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, जंगों में मुनाफिकीन का किरदार ये रहा है, या तो वो जंग में गए ही नहीं, अगर गए हैं तो वहां जाकर अंदरून खाना तो कुफार से मिले हुए थे और मुसलमानों की मुखबरी कर रहे थे। ये मुनाफिकत है। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु जंग में खुद भी जाते मरते हैं, अपनी औलाद को भी साथ ले जाते, खुद भी कुर्बान और अपनी कुर्बान। मुनाफिकी एन जंग के मौके पर भाग के नजर आ रही, जंगे बदर है। सहाबा किराम ने कहा था ना, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है किसको मुखातिब करते हुए, हुजूर हम मूसा अलैहि सलाम की कौम की तरह नहीं है कि हम तेरे पास हद अंता व रब्बुका तुकातिला इन्ना काहुना काइदुन, जाओ आप और आपका रब लड़े, हम यहां बैठे हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे,
हम आपके साना पसाना लड़ेंगे, आपके आगे होकर लड़ेंगे, आपके पीछे होकर लड़ेंगे, आपकी जात का दिफा दायर करेंगे, बाएं से करेंगे। ये सहाबियत है। फरमाया अगर आप हमें आग में कूद जाने का हुक्म देंगे तो हम आग में कूद जाएंगे, ये सहाबियत है। एम जंग के मौके पर वहां से फरार हो जाना, ये मुनाफ़िक़ किया नहीं जंगे ओद के मौके पर। तो फौजे आमने सामने हुई, अब्दुल्ला बिन उबई लानतुल्लाह मौका पर अपने बंदों को लेकर पीछे हट गया, कहा कि हम जंग नहीं लड़ेंगे, आपने हमारी बात नहीं मानी। सफ़े जब सामने आमने सामने इस्लाम और कुफर सामने आ गया, उस वक्त वहां से भाग पड़ा बहाना बना के। ये मुनाफ़िक़ है, ये मुनाफ़िक़ीन का किरदार है। सहाबियत में और मुनाफ़िक़त में फर्क वाज़े तौर पर नजर आ रहा है। सहाबाए किराम पेट पर पत्थर बांध कर हुजूर के शाना बशाना आगे और पीछे दाएं और बाएं लड़ते नजर आते हैं। मुनाफ़िक़ीन जंग के मौके पर भागते नजर आते हैं। कुरान ने कहा यरीदून इल्ला फिरारा, ये लोग भागना चाहते हैं, ये मैदान जंग में आपका साथ नहीं देना चाहते। ये मुनाफ़िक़त चढ़ते सूरज की तरह सहाबा किराम का किरदार वाज़े, चढ़ते सूरज की तरह मुनाफ़िक़ीन का किरदार भी वाज़े। बाप देखे सहाबियत का किरदार क्या है, मुनाफ़िक़त का किरदार क्या है। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी कम उम्र बच्ची अम्मा आयशा सिद्दीका को कुर्बान करते नजर आते, ये सहाबियत है। और हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रिश्तेदारी कैद करके अपने ताल्लुक को बढ़ाते नजर आते, ये सहाबियत है। लेकिन लेकिन मुनाफ़िक़ीन मुनाफ़िक़ीन जब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु खुद भी जंग में है, अपनी बेटी को भी साथ ले गए हैं, मुनाफ़िक़ीन वहां पर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की इज्जत, हुज़ूर की इज्जत, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा पर घिनौने इल्जाम लगाते नजर आते, ये मुनाफ़िक़त है। अबू बकर सिद्दीक ये सहाबी हैं, सहाबियत का किरदार ये कि आपकी कुर्बान अपनी औलाद की कुर्बान। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए हर चीज़ कुर्बान है। मुनाफ़िक़ीन हुज़ूर की ज़ात, हुज़ूर की इज्जत को नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक लोगों के सामने मशकूक बनाकर पेश करते नजर आते हैं, ये मुनाफ़िक़त है। अब्दुल्लाह बिन उबई ने एक मौका पर कहा था ना, लयुख़रिजन्न अअज़्ज़ु मिन्हा अज़ल, कि देखो नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, उसने कहा था अपने मुतल्लिक़ के मैं बहुत इज्जत वाला हूं, और हुज़ूर के मुतल्लिक़ कहा था कि नऊज़ु बिल्लाह ये ज़लील है, तो मदीना में पहुंच कर इज्जत वाला ज़लील को निकाल देगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह, सहाबी का मुनाफ़िक़ क्या है, ये मुनाफ़िक़त है। लयुख़रिजन्न अअज़्ज़ु मिन्हा अज़ल कहने वाला ये मुनाफ़िक़ है, उसी के बेटों में उसी की औलाद में सहाबी। जब मदीना तजीबा आ गया, दाखिल होने लगे हैं, अल्लाह पाक ने उसी के बेटे को सहाबियत के शरफ से सरफराज फरमाया था, वही तलवार लेकर खड़ा हो गया, कहा मैं तुझे मदीना में दाखिल नहीं होने दूंगा। हाँ जी, तूने कहा था लयुख़रिजन्न अअज़्ज़ु मिन्हा अज़ल, तू है ज़लील, तुझे मैं यहां मदीना से निकालता हूं, मैं तुझे मदीना में दाखिल नहीं होने दूंगा। ये है सहाबियत। तो सहाबियत और मुनाफ़िक़त का किरदार वाज़ेह है। अब देखें सहाबियत क्या है, मुनाफ़िक़त क्या है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ तशरीफ लाए हैं, मुसलमानों की पहली जरूरत मदीना तैयबा के अंदर मस्जिद बनाने की थी, क्योंकि
क्योंकि मुसलमान की सबसे बड़ी जरूरत, सबसे बड़ी मजबूरी मस्जिद है। मस्जिद ना हो तो वो अल्लाह के आगे कैसे झुके, बाद जमात नमाज कैसे पढ़े। इस्लाम के लिए मस्जिद की जरूरत पेश आई है। सहाबियत का किरदार देखना, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु वो शख्सियत है अल्लाह तबारक व तआला ने जिनको ये सआदत अता फरमाई मस्जिद नबी के लिए जगह के खरीदने की वाली आई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े नाज से अबू बकर सिद्दीक को फरमाते हैं, ऐ अबू बकर मस्जिद नबी के लिए जगह की जरूरत है, रकम अदा करो, रकम अदा करो, मस्जिद नबी के लिए रकम अदा करो। ये साफियत है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु पर इत्तेमाद था ना कि मेरा सबसे जाननिसार साथी है, सबसे जाननिसार साथी है, और मैं अबू बकर मस्जिद के लिए पैसे दूँ। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु वो है जो मस्जिद नबी के लिए सबसे पहले माल खर्च करते नजर आते हैं और मस्जिद नबी के लिए जगह खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ करते नजर आते हैं। ये सहाबियत का किरदार है। आज मस्जिद नबी के अंदर हजारों लोग एक वक्त नमाजें पढ़ते हैं। मेरे पैगंबर का इरशाद है मस्जिद नबी के अंदर जो बंदा एक नमाज पढ़ ले उसको 50,000 नमाज का सवाब मिलता है। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्ना, जो अल्लाह की रजा के लिए मस्जिद बनाता है अल्लाह पाक जन्नत में उसका घर बनाएंगे। ये सहाबी है कि मस्जिद नबी के लिए जगह खरीद कर दे रहे हैं। एक नमाज का सवाब जहां 50,000 नमाजों का सवाब है। अबू बकर सिद्दीक वो शख्सियत है कि जिनको आज ये एजाज हासिल है कि जो बंदा भी मस्जिद नबी में नमाज पढ़ता है उसको 50,000 नमाजों का सवाब मिलता है। अगर ये खाता आम लोगों का खुदा है एक नमाज के बदले 50,000 नमाजों का सवाब उनके नामे आमाल में जाता है। जितनी नेकियां सारी सारी उम्मत की जितनी नमाजें पढ़ती आई है, जितनी नमाजें पढ़ रही है, जितनी नमाजें पढ़ती रहेगी, ये सारी की सारी नेकियां अबू बकर सिद्दीक के खाते में भी जाएंगी। क्यों? इसलिए कि मस्जिद उन्होंने बना के दी है, मस्जिद के लिए जगह उन्होंने लेके दी है। एक आदमी एक नमाज पढ़े 50,000 का सवाब अगर उसके खाते में आता है, 50,000 का सवाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के खाते में जाता है। ये साबियत है, ये साबियत का किरदार है। आज लोग सहाबा किराम के किरदार का दाखला करके पेश करना चाहते हैं। अब देखिए मुनाफ़िक क्या है। बस अवकात कोई चीज अपनी इज्जत से भी शर्म में आती है ना, मुनाफ़िक का किरदार सामने होगा तो सहाबी का किरदार निकल कर सामने आ जाएगा। अबू बकर सिद्दीक तो वो है जो हुजूर की चाहत के मुताबिक मस्जिद की जगह खरीद कर मस्जिद बनवाते नजर आते हैं। मुनाफिकीन का किरदार यह है इस मस्जिद के मुकाबला में मदीना तैयबा के अंदर एक और मस्जिद बनवाते नजर आते हैं जिसको कुरान ने मस्जिद ज़रार का नाम दिया है। एक मस्जिद नबवी है, एक मस्जिद ज़रार है जो अबू बकर सिद्दीक ने मस्जिद बनाई है, उसको कुरान मस्जिद नबी के नाम से, इस्लाम मस्जिद नबी के नाम से याद करता है। जो मस्जिद मुनाफिकीन ने बनाई थी उसको ज़रार के नाम से याद करता है। मस्जिद नबी में अब देखो नमाज पढ़ा 50,000 का सवाब, मस्जिद ज़रार में कितने नफलों का सवाब था। हाँ जी, जो मस्जिद मुनाफिकीन ने बनाई कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया इनका मकसद मुसलमानों के खिलाफ साजिश है,
ये साशों का अड्डा, ये मस्जिद नहीं है, गिरा दो। अबू बकर सिद्दीक की खरीदी हुई जगह को हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज देते नजर आते हैं कि इसको मस्जिद नबी कहा जाता है। जगह किसने खरीदी? अबू बकर सिद्दीक। मस्जिद का नाम क्या है? मस्जिद नबी। वाह क्या एजाज है। आजकल ऐसे होता है हमारे इलाकों में, हमारे मोहल्लों में, हमारे आबादियों में, अगर कोई अल्लाह का बंदा मस्जिद की जगह वक्फ कर दे तो उसके नाम पर मस्जिद का नाम रख लेते हैं कि यार चौधरी साहब ने, फलाने मियाँ साहब ने, फलाने राणा साहब ने, फलाने जो है वो अपना जो है वो वडेरे ने मस्जिद के लिए जगह दी है, उसके नाम पे मस्जिद का नाम रख दो। जिस जगह की कीमत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने दी, उस मस्जिद का नाम क्या है? बबी। मालूम है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ताला ने किया, ये जगह तो मैंने खरीद के दी है, मेरे नाम पे मस्जिद रखी जाए, नाम इसका मेरे नाम पे हो ना ना, इसलिए कि आप चाहते हैं हुजूर की खुशी थे, इसलिए मस्जिद का नाम मस्जिद नबी है। इस मस्जिद को क्या मत तक बका है, दज्जाल भी आएगा, मदीना तैयबा में दाखिल नहीं हो सकेगा, मस्जिद नबी के अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा, लेकिन दूसरी तरफ मुनाफिकीन का किरदार जो मस्जिद उन्होंने बनाई थी, उस मस्जिद को गिराने का हुक्म दिया गया है। अबू बकर सिद्दीक भी जा रहे हैं, हुजूर भी जा रहे हैं, उस मस्जिद को गिरा रहे हैं। ये मुनाफिकीन का किरदार है, अबू बकर सिद्दीक का किरदार। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजी तारीख को मस्क ना करो। बाप आज हमारे माशरे के अंदर अपनी औलाद के लिए बहुत कुछ करता है, दिन रात मेहनत करके, दिन रात एक करके अपनी औलाद के लिए सहूलियात इकट्ठी करता है कि दुनिया और आखिरत बन जाए। कोई अपनी औलाद के लिए अच्छा सोच रहा है, फलाद खरीद के दे दिया जिंदगी में, किसी बाप ने अच्छा सोचा, अच्छे मकान बनवा के दे दिया अपनी औलाद को, किसी बाप ने अच्छा सोचा अपनी औलाद के लिए अच्छी गाड़ी खरीद कर दे दिया, किसी बाप ने अच्छा सोचा उनके लिए अच्छा बैंक बैलेंस छोड़ गया, किसी बाप ने अच्छा सोचा अपनी औलाद के लिए जेवरात इकट्ठे करके दे गया। अबू बकर सिद्दीक वो बाप है जो अपनी औलाद अव्वल मोमिनीन हज़रत सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए जन्नत खरीद कर दे गया, इसलिए कि मेरे हुजूर का फरमान है, मां बहनों बेटी वो मिंबरी रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, फरमाया मेरे घर से लेकर मेरे मिंबर तक की जगह है कि जन्नत के टुकड़ों में से टुकड़ा है, खरीद कर दी अबू बकर सिद्दीक ने। बाप अपनी बेटी के लिए जन्नत खरीद कर दे गया है। ये अर्ज़ उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका है जिनको ये एजाज हासिल है कि बाप उनके लिए दुनिया के अंदर ही जन्नत अलॉट कर गया। बाप अपनी औलाद के लिए बहुत कुछ सोच, जो अबू बकर सिद्दीक ने सोचा आज तक कभी किसी ने ऐसा सोचा नहीं है, ये अबू बकर सिद्दीक है। अब देखें फिर तवज्जो करें, मैंने अर्ज किया कि आज हमारे यहां कोई बंदा मस्जिद बनवाता है तो उसके नाम पे मस्जिद का नाम रख देते हैं, जो जगह अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने खरीद कर दी है। हजूर ने फरमाया कि अब ये मस्जिद हुजूर के नाम पर है, मस्जिद नबी, और जो घर है जिसको जन्नत का टुकड़ा फरमाया है, इस घर को अपना घर फरमाया। मैं मां बहना बेटी, किसका घर? हुजूर का। खरीद कर किसने दिया? अबू बकर सिद्दीक ने। मां बहना बेटी, मेरे घर के दरमियान और मेरे मिंबर के दरमियान जो जगह है, जन्नत के टुकड़ों में से टुकड़ा है, घर नाच कर रहा था, एक मुनाफिकत है, एक सहाबियत है, सहाबियत की तारीख इतना इस्लाम में वही है जो इस्लाम की है, जब से इस्लाम शुरू हुआ सहाबियत शुरू हुई है, सहाबियत का किरदार यह है
وہ ہر اعتبار سے حضور پر فنا نظر آتے ہیں، مراد قبلہ کردار یہ ہے، وہ ہر اعتبار سے حضور کی اسلام کی مخالفت کرتے نظر آتے ہیں۔ آخری بات عرض کروں، اس حوالے سے انجام کیا ہے؟ صحابیت کا انجام کیا ہے؟ مرافقین کا انجام کیا ہے؟ نفاق کا انجام، صحابیت کا انجام کیا ہے؟ اللہ سے بات کرنے کے لیے میں دونوں کو اللہ پاک فرماتے ہیں، فرمایا کہ وَعَدَلَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَ الْأَنْهَارِ، اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کرام کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں۔ دنیا میں رضا کا اعلان ہے اور آخرت کے لیے جنتیں اور باغات ہیں، یہ صحابیت کا انجام ہے۔ نفاق کا انجام کیا ہے؟ فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، اس لیے کہ سب سے زیادہ نقصان اسلام کو منافقین نے پہنچایا ہے۔ یہ منافقت کا انجام ہے، یہ نفاق کا انجام ہے، منافقین کا انجام ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات نے جس نے ہمارا تعلق صحابہ کرام کے ساتھ رکھا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری محبتیں صحابہ کرام کے ساتھ رکھی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری عقیدتیں صحابہ کرام کے ساتھ رکھی ہیں۔ الحمدللہ ہمارا یہ اہل حق کا عظیم مرکز، یہ صحابہ کرام کا پڑوس ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں صحابہ کرام کی خوشبوئیں پھیلائی ہوئی ہیں۔ یہاں 3 صحابہ کرام کی قبریں ہیں، تو پوری دنیا کے لوگوں کی ایک خواہش ہے، کاش کہ ہم یہاں آئیں اور زیارت کریں۔ میرے بھائیو، یہ 3 صحابہ کرام کا حال ہے، اور جو سارے کے سارے صحابہ کرام ہیں ان کے ساتھ عقیدتوں کا، مسلمانوں کا کیا حال ہوگا؟ صحابی رسول حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی یہاں قبر مبارک موجود ہے، اور اس ادارے کا نام بھی حضرت عمر بن عبسہ ہے، یہ وہ صحابی ہیں جو 3rd نمبر پر مسلمان ہونے والے ہیں۔ کتنے نمبر پر؟ آپ خود فرماتے ہیں، مجھ سے پہلے ایک آزاد مسلمان ہوا اور ایک غلام مسلمان ہوا، آزاد ابو بکر صدیق، غلام حضرت بلال، 3rd نمبر پر مسلمان ہونے والے یہ صحابی رسول حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خصوصیت۔ نمبر 2، آپ کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ آپ اصحاب صفہ میں سے ہیں۔ کن میں سے ہیں؟ اصحاب صفہ، وہ خاص صحابہ کرام جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر پڑے رہتے تھے، اور ان کی اور کوئی مصروفیت نہیں تھی، ساری مصروفیات چھوڑ کر صرف اس وجہ سے وہاں بیٹھے رہتے تھے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کب کوئی بات ارشاد فرمائے اور ہم اس کو اپنی زندگی میں محفوظ کر لیں۔ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ کرام سے۔ نمبر 3، آپ کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ بدری صحابہ کرام میں سے، بدری صحابہ کرام میں سے، اور بدری صحابہ کرام کے جو فضائل ہیں سب کو معلوم ہے۔ اللہ تبارک نے فرمایا تھا، بھائی جو بھی کرے اب ان کی جنت ہے۔ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی جو زندگی کا پہلو ہے وہ یہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، ان کے ماں شریک بھائی ہیں، یعنی اخ خفی جسے بول دیتے ہیں، ماں شریک بھائی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور پر سیدنا خلیفہ راشد، خلیفہ سوم، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور تک یہ مدینہ طیبہ میں رہے، روایت میں لکھا اس کے بعد یہ وہاں سے غائب ہوئے، کسی کو نظر نہیں آئے، وہاں سے چلے ہیں، ہجرت کی ہے، حضور کا پیغام لے کر یہاں سندھ میں پہنچے۔ یہ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں اپنے گھر پر چھوڑ کر اسلام پھیلانے کی خاطر سندھ جیسے پسماندہ علاقے کے اندر آئے اور آ کر یہاں پر بہار لگا دی۔ یہ مرکز جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ انہیں کا فیصلہ۔ اور ماشاء اللہ یہاں 3 صحابہ کرام کی قبریں اور کثیر تعداد کے اندر تابعین کی قبریں ہیں۔ تابعین میں یہاں کے تابعین ہیں، عظیم تابعی حضرت عثمان ہیں جنہوں نے حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
अपने साथ रखा, उनकी सोबत इख्तियार की और यहाँ जमीन उनके लिए वक्फ की, तो उनकी औलाद में आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हजरात मौजूद है जो दीन की खिदमत अंजाम दे रहे। पिछले दिनों सैलाब के दिनों में मेरा आना हुआ तो हजरत अक्दस हजरत मौलाना अब्दुलहादी साहब उस्मानी नबरल्लाहु मरकज़हू की ज़ियारत हुई और उनसे मुलाकात हुई, जो हजरत उस्मान ताबी की औलाद में से हैं, तो बड़ी खुशी हुई। इस मरतबा मैं आया तो उनकी ज़ियारत से महरूम हूँ। उनके बेटे हजरत कारी इस्माईल साहब दामत बरकातुहुम आलिया, उनसे मुलाकात हुई है और उन्होंने जुम्मत मुबारक के लिए दावत दी तो हाजिरी हुई। तो ये हमारी भी सआदत है कि अल्लाह तबारक तआला ने ऐसे अजीम मरकज में हमें बात करने का मौका दिया और सहाबा इकराम की आज़मत बयान करने की तौफीक दी। ये अल्लाह पाक का करम है, तो हमें चाहिए कि इस मरकज़ की कदर करें। आज बड़े बड़े दरबार बने हुए हैं ऐसे लोगों के, जिनको कोई जानता भी नहीं, पता नहीं वो शहीद पर चलने वाले थे भी कि नहीं, पता नहीं उनकी रूहानी हालत क्या थी क्या नहीं। बड़े बड़े दरबार बना के वहाँ सजदे कर रहे हैं लोग, इतनी अजीम हस्तियाँ यहाँ पड़ी हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इन हजरात की इस इलाके की कदर करनी चाहिए। चाहिए ये कि यहाँ माशाल्लाह बहुत बड़ा मरकज है, इससे अजीम मरकज बने और कोने कोने से, दुनिया के कोने कोने से लोग आकर यहाँ से फैल करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इसकी कदर करने की तौफीक अता